हाय फ्रेंड्स, हम है टीम जेगो और आज मैं आपको डिटेल और डिस्क्रिप्शन करूंगा ये JK-8 वैक्यूम क्लीनर का, जो कि 1000 वोल्ट का रहता है। इसको मैंने अनबॉक्स करके ही रख दिया है। ये मेन यूनिट है, इसके साथ ये दो हैंड कनेक्टर कहते क्या कहते हैं सेक्शन पाइप, ये एक फ्लेक्सिबल पाइप रहता है, ये दो कनेक्ट होता है और ये इसके साथ कनेक्ट होता है। हाँ, ब्रशेस अलग अलग तरह का तीन रहता है। ये फ्लोर के लिए है जो इसे कनेक्ट रहेगा और ये नोज यहाँ कनेक्ट होगा। एक ब्रश है बड़ा, कोई कचरा हो तो उसके लिए, ये भी इसी हिसाब से ही चलेगा। और ये एक फोल्डिंग रहता है, जैसे कि कोई कोई ऐसी कोने वाली चीज है जहाँ पे बेड है, सोफा है, तो उसको अंदर घुसाना है तो ये इस तरह से हम घुसा सकते हैं। ये फोल्डिंग रहता है। हाँ, तो ये हो गया बस। और ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि इन्फ्लेक्ट भी करता है, एयर ब्लो भी करता है। तो इन्फ्लेटेबल सोफा है, ये इन्फ्लेटेबल रिंग आती है, वो सब इस इन्फ्लेटर के हिसाब से। और इसमें भी ये तीन इन्फ्लेटर कनेक्टर है, शकर कहते हैं शायद, मुझे क्या पक्का कहते हैं कुछ पता नहीं है। ये कनेक्टर है ये इन्फ्लेक्ट के लिए, ये हाँ ये ब्लोअर के लिए है, ब्लोअर की डिश है, ब्लोअर कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि वैक्यूम का यूज़ नहीं करना है और ब्लोअर यूज़ करना है तो ये यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसके साथ बाकी का कनेक्शन फिर ये ऐसे होता है। और ये हो गया ब्लोअर हमारा। तो अभी मैं इसको, और हाँ ये बेल्ट है, जैसे कि शोल्डर बैग है, बेल्ट है, शोल्डर पे लगाना है तो शोल्डर पे भी लगा के काम का हो सकता है। हाँ, ये 5 मीटर लंबा यानी कि 15 फुट लंबा केबल रहता है। तो अभी पहले मैं वैक्यूम का ट्राई करके देखते हैं और वैक्यूम का ट्राई करने के बाद थोड़ा ब्लोइंग का भी ट्राई कर लेंगे। और वैक्यूम का ट्राई करने के लिए मैंने कागज को काट के इकट्ठा किया है। जैसे कि इसको तो ये नॉर्मल ही है। और हाँ ये अभी ये यूज करके फिर बाद में हम ट्राई करते हैं। ये खड़े खड़े यूज करना है वैक्यूम का, तो ये काम में आता है, जैसे कि हम खड़े खड़े यूज कर सकते हैं। फिलहाल काम नहीं है तो मैं ये निकाल दे रहा हूँ और इसका यूज हम करेंगे। और ये यहाँ से भी मूवेबल है, यहाँ से भी मूव होता है राउंड में। इसको कर देते हैं साइड थोड़ी देर। और ये मैं रखा हूँ काट के कागज को। हाँ, और ये रहा पावर सप्लाई, ऑफ है, ओके, पावर मैंने चालू कर दिया है। और ये रहेगा, इसका पावरफुल मोटर आता है, तो क्या है कि डायरेक्ट चालू करे, कभी कभार अच्छे से ना पकड़ा हो और चालू कर दे तो ये ऐसे गिर भी सकता है हाथ से, तो अच्छे से पकड़ना है फिर चालू करना है। सब इकट्ठा होके अभी नोज में ही है, ये पाइप में ही है, हालांकि आ जाना चाहिए, यहां से ओपन होता है।
यहाँ से हम खींच के इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत कागज पहुंचे है यहाँ पे। हाँ, अभी क्या है कि ज्यादा बार यूज करने से ये खराब होता है। फिल्टर है ये मार्केट में अवेलेबल भी रहता है, तो इसे चेंज करना रहेगा जब वैक्यूम का सेक्शन कम होता है तब। अभी तो फिलहाल कोई नया है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये फिट हो जाता है, ये फिट हो गया। हाँ, यहाँ पे सब जाम हो गया है। ठीक है, अभी ये हो गया वैक्यूम का, और अब हम करेंगे ब्लोइंग का डेमो करते हैं। क्या लगाएंगे? हाँ, ये पाइप लगाते हैं खाली, और क्या। जब ब्लोइंग का चालू करना हो तब ये निकल देना है, क्योंकि इससे लोड रहता है। ये निकल दिया, और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टू व्हील चलाते टाइम हेलमेट का यूज करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कार चलाते टाइम सीट बेल्ट का यूज करें, कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, स्वच्छ भारत में अपना योगदान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट बाइंग।